गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी एपी दिया हुआ है उसके एन टर्म्स को कैसे प्लस करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ डिनोटेड बाय एसएन, एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके दो फॉर्मूले हैं, एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब हमें ए डी और एन की वैल्यू पता होगी, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल हैं ए डी और एन। और ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ये तब यूज़ करना है आपको जब आपके पास ए एन और एल, एल मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है, ये दिया होगा तब यूज़ करना है। ठीक है, याद रहेगा आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और एन की वैल्यू दी हुई है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद रखना है आपको। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करेंगे। इन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ 18 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, ए फाइंड करना, ए कितना आ जाएगा 9। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 9 माइनस 2, समझ आ गया। और एन कितना आ जाएगा 18, क्योंकि हमें 18 टर्म्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और एन की वैल्यू है, इसलिए हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ एस 18, ठीक है, जो भी एन होता है वही लिखना होता है। यहाँ पे फॉर्मूले में एस एन है, यहाँ पर हम एस 18 लिखेंगे क्योंकि 18 टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन 2, एन अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 9 प्लस 18 माइनस 1 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 9, 2 से ये कैंसिल कर देंगे 18 को, 2 वन जा 2, 2 9 जा 18, 9 आ गया, फिर ये 9 2 जा 18, फिर 18 माइनस 1 17 इंटू -2, ये कितना आ जाएगा 9 और 18 आ गया, ये 18 और 17 2 जा 34, तो -34, 18 माइनस 34 -16 आ जाएगा, एंड 9 इंटू -16 इज -144। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सम ऑफ 18 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज -144। ठीक है, समझ आ गया सबको। इसके बाद नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, an इक्वल्स टू sn माइनस 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी a4 अगर आपको निकालना है तो s4 माइनस s3 होगा, जो भी यहाँ पे नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, a5 अगर निकालना है आपको तो क्या आएगा बताओ बेटा, s5 माइनस s4। ठीक है, a7 निकालना है आपको, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a7, s7 माइनस s6। a25, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a25, s25 माइनस s24। ठीक है, यानी जो भी नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ n है और यहाँ n-1 है, दिख रहा है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। यहाँ 7 है, इससे एक कम यहाँ पर है 6, तो ये चीज़ याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए इसको वेरीफाई किया गया है, हमारे पास ये एक एपी है 2 4 6 8 10, तो इसमें a4 की वैल्यू कितनी है 8, और s4 कितना आएगा इसमें 20, s4 मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्म्स को प्लस करो कितना आएगा 20, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 प्लस 2 20, और s3 कितना आएगा 12, s3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 6 और 4 10, 10 प्लस 2 12 आएगा। अब हम s4 माइनस s3 फाइंड करेंगे, तो s4 की वैल्यू 20 है और s3 की वैल्यू 12 है, 20 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 8 क्या है a4, यानी ये हमें दिख रहा है कि a4 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है s4 माइनस s3, समझ आ रहा है, ये हर एक एपी में वैलिड होता है। ये यहाँ पे वेरीफाई करके बताया गया है कि क्यों ये फॉर्मूला बना हुआ है, an=sn-1 क्यों होता है, ये यहाँ पे वेरीफिकेशन किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन an इज़ गिवन। अगर क्वेश्चन में an दिया हुआ है तो हम इस तरह से करेंगे, जब भी क्वेश्चन में an गिवन होगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है, और पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम n की an हमारे पास 3n+7 है, n की वैल्यू 1 रखेंगे,
तो कितना आ जाएगा ये 3 × 1 + 7, तो 3 × 1 3 हो गया, 3 + 7 10 आ गया। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना आ जाएगा 3 × 2 + 7, 3 × 2 = 6, 6 + 7 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम d फाइंड कर सकते हैं, d कितना आ जाएगा a2 - a1, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, 13 - 10 करेंगे 3 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगा। समझ आ रहा है, यानी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गया, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 16 हो गया, इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें n सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो Sn इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा देंगे n/2 × 2a + n-1 × d, यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 20 + 3n - 3 एंड 20 - 3 = 17 आ जाएगा, तो n/2 × 3n + 17 ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है, इसमें n की वैल्यू दी नहीं है, इसलिए इसमें आंसर n के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक ही क्वेश्चन और है, ये आपको खुद ही करना है, डू इट योर सेल्फ है ये, DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ। इसमें Sn गिवन है, तो जब भी Sn गिवन होता है तो हम सेम टू सेम यही प्रोसीजर लगाएंगे, इसमें n की जगह 1 रखना है पहले, तो फिर S1 आएगा। ठीक है, n की जगह क्या रखना है आपने, 1, जैसे हम n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा S1, S1 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 - 4 - 1 हो गया ये। फिर n की जगह हम 2 रख देंगे, S2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 2 × 2 = 4, 3 × 12 - 4 × 8, तो ये 4 हो गया। फिर n की वैल्यू 3 रख दो, तो S3 आ जाएगा, S3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27 एंड 4 × 3 = 12, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें हम फाइंड करेंगे S1 जो है वो किसके बराबर होता है, A1 के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म तो हमारा -1 निकल गया, क्योंकि S1 का मतलब है एक टर्म का सम, और एक जिसमें एक ही टर्म होगा तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही होता है। अब ये S2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम, यानी S2 = A2। नाउ वी फाइंड S1 हमारा कितना आया था, S1 -1 आया था, S2 4 आया था, S3 कितना आया था 15। अब हम इसमें A हमारा कितना है -1, ये तो A की वैल्यू हो गई, A - 1 यानी फर्स्ट टर्म, A1 = A - 1। नाउ वी हैव टू फाइंड A2 = S2 - S1, ये जो अभी फॉर्मूला ऊपर बताया है इससे करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4 - -1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = 5 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से फिर A3 फाइंड करेंगे, A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, A3 = S3 - S2, तो फिर हमारे पास A1 A2 A3 ये तीन टर्म्स पता चल गया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता चल जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम A D और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर लास्ट में हमें AN फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और ये सारा कंसेप्ट जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।